बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो आज हमारी वीडियो है आलू बुखारा के शरबत पे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें थोड़े से आलू बुखारा चाहिए, उसके अलावा चीनी और नमक चाहिए। नमक आप सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं और आप काला नमक भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक ग्राइंडर ले लेंगे और उसके अंदर सारे आलू बुखारा डालकर और चीनी डालकर इसको चीनी आलू बुखारा और पानी डालकर इसको अच्छे से हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। जी ग्राइंड जो है हम इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। अब जो है हमारा ग्राइंड हो चुका है मिक्सचर। तो अब जो है मैं इसमें लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट था नमक, मैंने वो इसमें ऐड किया और अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह बिल्कुल हमने इसमें से जो भी इसका एक्स्ट्रैक्ट है हमने सारा कुछ जो है वो निकाल लेना, ठीक है। कोई भी ज़र्रा जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत थिक जूस बनेगा अगर आप जो है इसको जो है वो स्ट्रेन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने ग्लास में बर्फ़ डाल लेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बर्फ़ के बगैर जो है जूस का मज़ा नहीं आता। उसके बाद हम इसमें जूस ऐड करेंगे अपना, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक ही कितना ये प्यारा लग रहा है। मैं बहुत शौक से पिया और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।